हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अगर सीमा तनाव खत्म करने के लिए बातचीत असफल रहती है तो फिर भारत इस्तेमाल करेगा अपनी मिलिट्री को। परमाणु हथियार जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की तस्करी को रोकने के लिए भारत खरीदेगा रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट्स। DRDO ने रक्षा मंत्रालय को सौंपी 108 सिस्टम्स की लिस्ट, जो कि अब इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए जाएंगे। अगले महीने भारत और अमेरिका के बीच साइन हो सकता है एक महत्वपूर्ण डिफेंस एग्रीमेंट। और अमेरिकन एनालिस्ट का दावा, 27 फरवरी को MiG-21 बाइसन के साथ शॉट हुआ था JF-17। LAC पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि LAC पर से तनाव खत्म करने के लिए अगर चीन के साथ चल रही बातचीत फेल हो जाती है तो फिर भारत के पास मिलिट्री ऑप्शन का रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि चीन पूर्वी लद्दाख में कई तरह की बातचीत हो जाने के बावजूद भी अभी भी पूरी तरीके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुआ है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से ये बयान खास करके उस हाई लेवल मीटिंग के बाद आया है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और इंडियन आर्म फोर्सेज के तीनों चीफ्स मौजूद थे। और CDS की तरफ से साफ किया गया है कि भारत सरकार चीन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से LAC पर चल रही तनातनी को खत्म करना चाहती है, लेकिन अगर चीन से चल रही मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स की बातचीत असफल रहती है तो फिर चीन के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन खुला हुआ है। और उनके मुताबिक देश की सेनाएं किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। हालांकि जनरल बिपिन रावत के इतने बड़े बयान के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर ABP न्यूज की माने तो उनके मुताबिक CDS जनरल बिपिन रावत के इस बड़े बयान के पीछे कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण तो यह है कि पिछले 3 महीने से चीनी सेना पूर्वी लद्दाख से सटी LAC के विवादित इलाके, जिनमें फिंगर एरिया, गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वहां पर अपनी घुसपैठ करके बैठा हुआ है और अभी भी कई सारे ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट हैं जहां से पीछे जाने का नाम नहीं दे रहा है। दूसरा कारण है, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर कई सारी बातचीत हो चुकी हैं और इन सभी बातचीत में चीन हमेशा ये डिसएंगेजमेंट को लेकर तैयार तो होता है, लेकिन वो उसे ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। बाकी जो तीसरा बड़ा कारण है वो ये है कि भारत चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते किए गए थे, जिनमें 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 के समझौते शामिल हैं। और चीन ने LAC की यथास्थिति को बदल के इन पांचों समझौतों का उल्लंघन कर दिया है। और जबकि असल में शांति समझौते के तहत दोनों देश इस बात के लिए भी तैयार हो गए थे कि जब तक शांतिपूर्ण तरीके से सीमा विवाद सुलझ नहीं जाता है, तब तक दोनों देशों की सेनाएं विवादित इलाकों में किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं करेगी। और अगर अलग अलग कारणों के चलते घुसपैठ होती भी है तो इन शांति समझौतों के तहत इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और सेनाएं पीछे हट जाएंगी। लेकिन भारत ने तो अपनी तरफ से पूरा कर रखा है, लेकिन चीनी सेना ऐसा नहीं कर रही है। और इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं कि CDS जनरल बिपिन रावत का ये बयान खास तौर पर चीन के लिए एक सीधा और कड़ा संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर होने वाली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की अवैध तस्करी का पता लगाने के लिए अब भारत सरकार रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट्स को खरीदने पर विचार कर रही है, और जिसके बाद बॉर्डर क्रॉसिंग्स, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और लैंड पोर्ट्स को इन रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट से लैस किया जाएगा, ताकि न्यूक्लियर डिवाइस या फिर रेडियोलॉजिकल डिस्पर्जल डिवाइस जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की अवैध तस्करी को रोका जा सके। और ये कदम खास तौर पर भारत की इंटरनल सिक्योरिटी एबिलिटीज को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ उठाया गया है, ताकि सीमा पर अवैध रूप से होने वाली करेंसी, ड्रग्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव्स और ऐसे अन्य सामानों की अवैध तस्करी को रोका जा सके। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से इन रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए 21 अगस्त को RFI जारी कर दी गई है, और ये इक्विपमेंट्स गामा रेडिएशन और न्यूट्रॉन रेडिएशन इन दोनों के अलग अलग अलार्म्स देने में सक्षम होंगे, और साथ ही ये टारगेट ऑब्जेक्ट के वीडियो फ्रेम्स को भी जनरेट कर सकेंगे। और इनमें इस तरह की एबिलिटीज भी शामिल होंगी जिसकी मदद से ये स्पेशल न्यूक्लियर मटेरियल और नेचुरली अकरिंग रेडिएशन मटेरियल्स के बीच फर्क बता सकेंगे। और सभी बिडर्स को इस RFI का रिस्पॉन्स सितंबर महीने की शुरुआत तक देने के लिए कहा गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत DRDO की तरफ से करीब 108 ऐसे सिस्टम्स और सब सिस्टम्स की लिस्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है, जो केवल इंडियन इंडस्ट्रीज द्वारा ही डिजाइन और डेवलप किए जाएंगे। और DRDO का ये भी कहना है कि इन सिस्टम्स और सब सिस्टम्स के डेवलपमेंट प्रोसेस में वे इंडस्ट्रीज को अपना सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। और इन 108 सिस्टम्स में मिनी एंड माइक्रो UAVs, मिनी एंड माइक्रो ROVs, आर्मर्ड इंजीनियरिंग रिकॉनसेंस व्हीकल, 80 टन तक के पेलोड वाले स्पेशल पर्पस ट्रांसपोर्टर्स, मरीन रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल स्टोरेज कंटेनर्स, मिसाइल असेंबली जिग्स, मिसाइल कैनिस्टर्स, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, यूनिट रिपेयर व्हीकल, यूनिट मेंटेनेंस व्हीकल, मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लाज नेट, IR फ्लेयर, एंटी टेररिस्ट व्हीकल, हैवी रिकवरी व्हीकल, एयरक्राफ्ट एप्लीकेशंस के लिए फ्यूल सिस्टम कंपोनेंट्स, अलग अलग तरह की बैटरीज, माइक्रोवेव रिसीवर्स, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर,
डिस्प्ले सिस्टम, 16 टन तक के हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम, 2 टन तक के इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए हार्डवेयर, डिस्प्ले प्रोसेसर्स, नेविगेशन रडार्स, ब्लास्ट सेंसर्स, राउटर्स, रडार एंड कम्युनिकेशन के लिए शेल्टर्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिसीवर्स के लिए एंटीनास और ऐसे ही करीब 108 तरह के महत्वपूर्ण सिस्टम्स और सब सिस्टम्स शामिल हैं, जो कि केवल और केवल इंडियन इंडस्ट्रीज डिजाइन करेंगी और डेवलप करेंगी। बाकी इसके अलावा भारत की सबसे लार्जेस्ट एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन फर्म जिंदल एल्यूमिनियम की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि अब वे अपना फोकस डिफेंस और एरोस्पेस सेगमेंट की तरफ भी बढ़ा रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल करने वाली पॉलिसी में बदलाव करके अब इन सेक्टर्स के काफी ज्यादा एक्टिव होने की उम्मीद है। अगले 5 राफेल फाइटर्स के लिए वेस्ट बंगाल में स्थित हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 2020 के अंत तक तैयार कर दिया जाएगा और इस बेस में राफेल फाइटर्स को अगले साल यानी कि 2021 के मध्य तक डिलीवर किए जाने की संभावना है। और यह हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन इंडो भूटान बॉर्डर के पास मौजूद रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण एयरबेस है और साथ ही चुंबी वैली के पास ये भारत का सबसे पास का एयरबेस भी है, जो कि सिक्किम, भूटान और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का एक ट्राई जंक्शन एरिया है। और राफेल फाइटर्स से पहले इस बेस से मिकोयन MiG-27 फाइटर्स अपनी सर्विस दे चुके हैं। बाकी वेस्टर्न एयर कमांड के फॉर्मर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल रिटायर्ड रघुनाथ नाम्बियार का ये कहना है कि राफेल फाइटर और मेटियोर मिसाइल के इंडक्शन के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स 27 फरवरी जैसे मिशन को करने की कोशिश भी नहीं कर सकती है। और इसके साथ एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस का कहना है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने रशिया और भारत दोनों देशों से परमिशन ले ली है, यानी कि अब ब्रह्मोस एरोस्पेस ऑफिशियली अपनी ब्रह्मोस मिसाइल किसी तीसरे देश को एक्सपोर्ट कर सकती है। और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि कई सारे देश हैं जो भारत की इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं, लेकिन सब में फिलीपींस है जिसके साथ इस ब्रह्मोस मिसाइल की पहली डील साइन होने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच अगले महीने सितंबर में भारत और अमेरिका 2+2 डायलॉग मीटिंग के अगले राउंड को आयोजित कर सकते हैं, लेकिन इस बार के 2+2 डायलॉग मीटिंग की खास बात ये होगी कि ये पहली बार वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी। और ये तो आप जानते ही होंगे कि 2+2 डायलॉग मीटिंग में दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मीटिंग आयोजित करते हैं और इस बार ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की जाने वाली है। और ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि इस मीटिंग के दौरान भारत और अमेरिका के आखिरी डिफेंस फाउंडेशन पैक बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट को भी साइन किया जा सकता है। और ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद फिर मिलिट्री पर्पस के लिए भारत को अमेरिका की जियोस्पेटियल इंटेलिजेंस और वेपन्स एंड ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम की जो उनकी एक्सपर्टीज है उनका एक्सेस मिलेगा। हालांकि ये जो एग्रीमेंट है ये इसी साल मार्च के महीने में साइन होना था, लेकिन फिर चाइनीज वायरस के चलते इसमें भी देरी हो गई। बाकी ये डिफेंस फाउंडेशनल पैक का आखिरी एग्रीमेंट है और जबकि इसके पहले के सारे एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, जिनमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट शामिल है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है जिसमें कुछ अमेरिकन मिलिट्री एनालिस्ट और फेलो रिसर्चर्स का ये मानना है कि पिछले साल 27 फरवरी को जब भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्सेज आमने सामने आई थी तो उस दौरान इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट शॉट होने के साथ साथ जो दूसरा फाइटर शॉट हुआ था वो अमेरिका के F-16 नहीं बल्कि चाइनीज मेड JF-17 फाइटर था। और जबकि भारत का ये दावा है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने उनके फाइटर के शॉट होने से पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 फाइटर को शॉट किया था। और भारत की तरफ से सारे सबूत पेश किए गए हैं कि MiG-21 से F-16 को ही शॉट किया गया था, लेकिन अमेरिकन इसको मानने को तैयार नहीं है। और जबकि इंडियन एनालिस्ट का ये मानना है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 द्वारा जो MiG-21 को शॉट किए जाने वाली बात पाकिस्तान कर रहा है उसकी HD फुटेज पाकिस्तानी एयरफोर्स पब्लिक डोमेन में जारी क्यों नहीं कर रही है, तो इसका कारण बस यही है कि इसमें कुछ ऐसा कैप्चर हुआ है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स नहीं चाहती है कि दुनिया के सामने आए। खैर, अगर अमेरिकन F-16 फाइटर के शॉट होने वाली रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसमें कोई चौंकने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि F-16 अमेरिका का एक ऐसा फाइटर है जो दुनिया भर की कई सारी फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। और पाकिस्तानी एयरफोर्स की केवल एक पायलट की गलती के कारण वे अपने F-16 फाइटर्स की अच्छी इमेज को कलंकित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका असर उनकी सेल पर भी पड़ेगा, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि F-16 एक अच्छा फाइटर है। पर जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि युद्ध कभी भी हथियार नहीं बल्कि हथियार चलाने वाला जीतता है, और अगर हथियार चलाने वाला योद्धा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जैसा हो तो फिर उस समय पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट के पास F-16 या फिर उससे भी एडवांस फाइटर हो फिर भी वो हार ही जाएगा, क्योंकि स्किल्स ऑलवेज मैटर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।